हे एवरीवन, चलिए मुंह मीठा करते हैं और बनाएंगे आपके हलवे को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही आसानी से, और कई गुना स्वाद बढ़ जाएगा पूरी गारंटी के साथ। बस आप मेजरमेंट का रखें ध्यान। एक कटोरी में जरा सा कम मैंने लिया हुआ है रवा, सूजी मोटी या बारीक वाली कोई भी आप ले लें, और 2 चम्मच डाला है यहाँ पर मैंने घी, देसी घी का इस्तेमाल किया है जिससे हलवे का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे अपने सूजी को, रवा को, और इसे लो फ्लेम पे, लो से आप चाहें तो हल्के से ज़्यादा और कर सकते हैं, लेकिन फ्लेम को आप हाई या मीडियम ना रखें, मीडियम से कम रखें। 3 से 4 मिनट पहले हम सूजी को अच्छे से भुनेंगे। इसे भुनने के बाद 3 से 4 मिनट हुआ और एक कटोरी में 1 चम्मच भरकर हम डालेंगे बेसन। आप मेजरमेंट का बिल्कुल परफेक्ट ध्यान रखें। एक कटोरी है सूजी तो 1 ही चम्मच हम डालेंगे बेसन, और अब इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे, धीमी धीमी आंच पे हमें अच्छे से भुनना है, जिससे इसका कलर जो है वो डार्क ना हो, कच्चापन भी ना रहे, अच्छे से भुन भी जाए लेकिन धीमी आंच पर। भुनते भुनते मुझे यहाँ पर 8 मिनट हो गया और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सूजी हमारी भुन के हो गई है तैयार। तुरंत ही हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर इसी बर्तन में छोड़ देंगे तो ये और भी हमारी कलर इसका चेंज हो जाएगा, और इस बर्तन का भी हमें फिर से करना है इस्तेमाल। अब जितना सूजी को लिया हुआ है उतना ही आप ले लें चीनी, और उसका 4 गुना, 1 कटोरी चीनी है तो 4 कटोरी यहाँ पर आप पानी को डालें। अगर आपको हलवा थोड़ी और गीली चाहिए तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, जरा सा एक्स्ट्रा पानी और डाल दें, और इसे एक बार चलाकर मिक्स करके ढक दें, कवर कर दें, जिससे इसमें जल्दी ही उबाल आ जाएगा, समय की बचत हो जाएगी और पानी भी जो है वो हमारा जलेगा नहीं। अब इसमें उबाल आते ही एक बॉयल हुआ हरी इलायची है कुटी हुई, मैं छिलके के साथ डाल दे रही हूँ, बाद में मैं छिलकों को याद करके निकाल लूँगी, और थोड़े से केसर के धागे, 5 से 6 पत्तियाँ हैं केसर की, इसे भी हमने डाल दिया हुआ है। और कुछ देर जब ये पक जाएगी, बस थोड़ी देर, उबाल आई हुई है, और अब उबलते हुए पानी में हम अपने डालेंगे इस भुने हुए सूजी को। सूजी को जितनी आपने भून के रखी हुई है इकट्ठी ही सारी ना डालें, थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएं 2 से 3 बार में, जिससे इसमें गुठलियाँ नहीं आएगी और बहुत ही आसानी से ये आपकी मिलती जाएंगे, मिक्स होती जाएंगी। अब हमने सब डाल दिया हुआ है, फ्लेम को अब मीडियम टू हाई करके, अब फ्लेम को आप बढ़ा लें मीडियम टू हाई करके, और इसे लगातार चलाते रहें। 1 पिंच फूड कलर मैं डाल रही हूँ, ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है कलर तो आप डालें, नहीं तो आप केसर के धागे को भिंगो के छोड़ दें। 1 से 2 चम्मच गर्म दूध में, और उसे आप डाल दें, उससे भी आपका बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा हलवे में। अब इसे हम लगातार चलाते रहें, और थोड़ी ही देर में जो इसमें से बबल्स आ रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे और पानी इसका सूख जाएगा, हल्की सी ये गीली ही रहेगी, इसे आप बहुत ज़्यादा ना भुनें। गैस को बंद करके 2 से 3 मिनट, गैस को बंद कर दिया था और उसी कढ़ाई में 2 से 3 मिनट मैंने इसे और चलाया है। अब आखिर में और हम एक करेंगे एक काम, 1 चम्मच घी को, देसी घी को इसके किनारे किनारे में आप डाल दें, ऐसा आप ज़रूर ही करें, जिससे पूरे हलवे में आएगा बहुत ही अच्छा घी का स्वाद। अब ड्राई फ्रूट्स को डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल, वैसे डाल देंगे तो स्वाद भी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है इस हलवे में, सूजी के हलवे में। काजू को डाला है, किशमिश डाला है, और थोड़ी सी बादाम की गिरी, ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, फिर मिलते हैं।